हाय बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शन की। क्लास 11th में भी है, 12th के बच्चों को भी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज अ मॉडुलस फंक्शन? तो देखिए, अ फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल्स टू mod x इज कॉल्ड अ मॉडुलस फंक्शन। किसी भी फंक्शन को जब fx इज इक्वल टू mod x की फॉर्म में लिखा जाता है तो वह एक मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कैसी कैसी इसकी चीजें होती हैं, इसकी डोमेन रेंज क्या होती है। तो बेटा fx का मतलब होता है y, ठीक है। कुछ भी करने से पहले आइए सबसे पहले इसका ना ग्राफ देखते हैं, उससे हमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसी बीच में फिर आगे की बात करें। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया, एक टेबल बनाया। इस टेबल में कुछ वैल्यूज हमने नेगेटिव ले ली और कुछ वैल्यूज हमने पॉजिटिव ले ली, ठीक है जी। अब देखिए, जब मैं x की जगह पर -3 डालूंगा तो बेटा मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड क्या करता है, मॉड क्या करता है, आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव देता है। आप अंदर -3 डालोगे मॉड के बाद उसका आंसर आएगा +3, आप अंदर +3 डालोगे तो भी मॉड के बाद उसका आंसर आएगा +3, ठीक है। तो हमने क्या करा यहां पर बच्चों, देखिए हमने यहां पर x की जगह पर लिख दिया -3, तो जब x का -3 था तो y का आंसर आएगा +3। फिर जब हम x की जगह पर -2 लिखेंगे तो y का आंसर आएगा +2, जब हम -1 लिखेंगे तो +1, और जब 0 लिखेंगे तो 0, 1 लिखेंगे तो भी +1 आएगा, 2 लिखेंगे तो भी +2 आएगा, 3 लिखेंगे तो भी +3 आएगा। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए रफ हैंड से हमने इसको प्लॉट किया, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4, ठीक है, और ये हो गया 1 2 3। अब बेटा ध्यान से देखना, अब हम क्या कर रहे हैं, जब x -3 है तो y +3 है, तो जब x -3 है तो y +3 है, जब x -2 है तो y +2 है, तो जब x -2 है तो y +2 है, जब -1 है तो 1 है, और जब 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, और फ्री हैंड से इनको हमने ज्वाइन कर दिया। तो जब फ्री हैंड से इनको हमने ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा ग्राफ बना वी शेप में, ठीक है। ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, सो दिस इज द ग्राफ, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज अ मॉडुलस फंक्शन, तो हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू mod x। फिर क्वेश्चन पूछा जाए ड्रॉ इट्स ग्राफ, तो दिस इज अ ग्राफ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड इट्स डोमेन एंड इट्स रेंज, तो डोमेन एंड रेंज। तो आइए सबसे पहले मैं ये डोमेन और रेंज आपको इसके ग्राफ पे समझाता हूं, फिर अगर ग्राफ नहीं माना जाएगा तो आप एक्चुअल वर्किंग कैसे करेंगे वो भी सिखाऊंगा, आराम से सुनिए। देखिए, जो x एक्सिस है, डोमेन सबको पता है, डोमेन मींस x की वैल्यूज है, रेंज मींस y की वैल्यूज, ठीक है। अब जो x एक्सिस है उस पे हम पॉजिटिव पर भी ग्राफ अवेलेबल है, x एक्सिस के 0 पर भी ग्राफ की वैल्यू है, और x एक्सिस के नेगेटिव पर भी ग्राफ पर फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल है। यानी x की वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और कोई चीज अगर पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों हो सकती है तो इसका मतलब कि इसका डोमेन कौन है बच्चे, रियल नंबर, ठीक है। अब आते हैं रेंज पर, रेंज का मतलब है y एक्सिस की वैल्यूज या y की वैल्यूज। तो अगर हम ध्यान से देखें तो y एक्सिस पर जो ग्राफ है वो ध्यान से देखो बेटा, वो 0 या उसके ऊपर ऊपर ही है, जो y एक्सिस पर जो ग्राफ है वो 0 या उसके ऊपर ऊपर ही है, फंक्शन का जो ग्राफ है y एक्सिस पर नीचे की तरफ नेगेटिव की तरफ, बेटा मेरे बच्चों y एक्सिस पर नेगेटिव की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो ग्राफ अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी, ना इस तरफ ना इस तरफ। तो y एक्सिस पर जो ग्राफ है वो 0 या उससे ऊपर ऊपर ही है, तो 0 टू इंफिनिटी, हेंस इसकी रेंज कौन है, 0 टू इंफिनिटी विद 0 इंक्लूडेड, क्योंकि y की वैल्यू 0 के बराबर आ सकते हैं, हमने टेबल में भी देखा है, x को 0 डालते हैं तो y इक्वल टू 0 आया, ठीक है, तो उस पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। हेंस इस मॉडुलस फंक्शन की डोमेन है रियल और रेंज है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब अगर हमें वर्किंग करनी हो तो हम कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए मॉडुलस के लिए एक रूल है, मॉडुलस का रूल ये कहता है कि जो भी नंबर मॉड के अंदर लिखा जाएगा दैट नंबर विल ऑलवेज बिलोंग टू रियल, और सेकंड रूल क्या है इसका कि मॉड ऑफ एनी नंबर का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ऑलवेज पॉजिटिव, जो मॉड का जो फाइनल आंसर निकलेगा दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए डोमेन और रेंज निकालने के लिए जाते हैं। तो बेटा फॉर डोमेन, डोमेन के लिए हमने फंक्शन को लिखा
थोड़ा बड़ा लिखते हैं, हमने फंक्शन को लिखा। अब रूल क्या कह रहा है कि जो भी अंदर का नंबर है दैट बिलोंग्स टू रियल, सो देयरफॉर अंदर का नंबर कौन है x, तो x बिलोंग्स टू रियल, और x बिलोंग्स टू रियल मतलब डोमेन कौन हो गई हमारी रियल नंबर्स, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की, तो इसकी रेंज की प्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप, ध्यान से सुनो, आप इसकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से करेंगे। हमने पढ़ा कि मॉड ऑफ एनी नंबर का जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ध्यान से सुनो, इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे, हम बोलेंगे सिंस मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, सिंस मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो देयरफॉर वाई इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि बेटा अगर राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड भी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, लेफ्ट और राइट को आपस में बराबर रहना होता है, तो राइट साइड हमेशा पॉजिटिव है मॉड की वजह से, तो लेफ्ट साइड इज आल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। और बेटा जो चीजें ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं, ध्यान से देखिए, जो चीजें ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं वो कैसी होती हैं, इस तरफ जीरो के इस तरफ, तो वो होती है जीरो टू इंफिनिटी। सो हेंस जो हमारी रेंज है वो क्या है मेरे बच्चे, फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, जो हमारी रेंज है वो क्या है मेरे बच्चे, फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, ठीक है। डोमेन के लिए अंदर की वैल्यू को बिलोंग्स टू रियल लिख देते हैं, तो अगर x बिलोंग्स टू रियल है दैट मींस डोमेन इज रियल नंबर्स, और रेंज के लिए हम बोलते हैं भाई क्योंकि मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव तो y इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, आप यहाँ पे रीजन लिख भी सकते हैं बिकॉज LHS is always equal to RHS, ठीक है, तो right side always positive है, तो left भी होगी, hence इसकी range always positive है, hence it is from 0 to infinity, ठीक है, so this is all about modulus functions, आप इसे note करें, इसके बाद में इस पर भी दो तीन extra questions भी मैं आपको करा रहा हूँ इसी video में, आपका topic पक्का हो जाएगा, note करें। जी बच्चों, तो आइए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे class 12th के हैं, उनको एक और चीज़ समझाया था, देखिए graph आया था अभी हमारा mod x का। देखिए जो mod x होता है यानी जो हमारा modulus function है, इस पे कुछ खास बातें हैं। ये जो modulus function होता है ये हमेशा एक continuous function होता है, क्यों, क्योंकि देखिए इसका graph चलता जा रहा है, कहीं पर भी break नहीं कर रहा है, और आप इसको LHL, RHL, limit at a point निकाल के चेक करेंगे तो ये true आएगा, ठीक है। याद रखिए ये differentiable नहीं होता, it is not differentiable, जो मॉडुलस फंक्शन है इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, और आप एलएचडी आरएचडी करके चेक करेंगे तो नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। अच्छा, अब ये क्योंकि ये इंटीग्रेबल भी नहीं होता, लेकिन लेकिन इसका इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल है डेफिनेट के केस में, आप सबने पढ़ा भी होगा इंटीग्रेशन में, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल्स में इसका इंटीग्रेशन करते हैं जैसे माइनस टू से टू मॉड एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन है, लेकिन अगर विदाउट द लिमिट्स करना चाहें तो ये इंटीग्रेबल भी नहीं होता, लिमिट्स के अंदर ये इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। इससे पहले मैंने वीडियो डाला था उसमें ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन के बारे में भी बताया था कि उसका भी इंटीग्रेशन तभी हो सकता है जब वो लिमिट्स के अंदर हो, और मेरी ऑलरेडी 12th की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है जब वो लिमिट्स के अंदर दिया हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपेक्टेड टॉपिक है क्लास 12th के बच्चों के लिए, वो जरूर देखें। इसकी भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो बनाकर के डालूं कि मॉड एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है। नाउ लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक, हम लोग पढ़ रहे थे मॉडुलस फंक्शन और उसकी डोमेन और रेंज क्या है, हमने बेसिक फंक्शन पढ़ लिया, थोड़ी सी और वैरायटी इस पर डिस्कस कर लिया। सपोज ये मेरा फंक्शन है तो fx का मतलब हो गया मेरे बच्चों y, ठीक है। अब जब मुझे डोमेन निकालनी है तो समझिए डोमेन के लिए मुझे क्या करना है, डोमेन के लिए मेरा लॉजिक है कि जो भी मैंने रूल पढ़ाया था आपको कि जो भी नंबर अंदर लिखा होता है दैट बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, तो अभी जो भी अंदर लिखा हुआ है नंबर दैट बिलोंग्स टू रियल, ये रियल के पास जाएगा रियल ही हो जाएगा, ये नीचे जाके डिवाइड होगा रियल ही हो जाएगा, रियल का फंडा ये होता है, रियल का प्रिंसिपल ये होता है कि कोई भी चीज रियल के पास में जाती है चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, रियल ही रहता है, तो नीचे गया तो भी रियल ही रहेगा, तो क्योंकि मेरा x बिलोंग्स टू रियल है इसलिए मेरी डोमेन कौन होगी मेरे बच्चे, रियल नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे बच्चों रेंज की, तो रेंज की प्रेजेंटेशन क्या देंगे हम इसको पेपर में, अगर आपसे उसकी डोमेन और रेंज पूछी जाएगी तो आप यहां पर बोलेंगे कि भाई सिंस मॉड ऑफ 2x प्लस 3 is always positive, क्योंकि हमने पढ़ा है कि mod के अंदर कुछ भी लिखा हो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो mod of 2x plus 3 is always positive, therefore y is also always
पॉजिटिव, इसलिए जो y है वो भी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS इक्वल होती है RHS के। तो अगर y ऑलवेज पॉजिटिव है तो बेटा कोई भी चीज जो ऑलवेज पॉजिटिव होती है वो ये होती है राइट, जीरो के राइट साइड पर। हेंस इसकी रेंज कौन है मेरे बच्चे, फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। इसकी रेंज कौन है, फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। ठीक है, दिस इज अनदर क्वेश्चन, नोट करने से भी विल डू वन मोर क्वेश्चन ताकि टॉपिक पूरा हो जाए, फिनिश करें। जी बच्चों आइए मॉडुलस पर एक और क्वेश्चन, 11th की एनसीईआरटी में भी है, fx = minus mod x। तो बेटा fx का मतलब है y, ठीक है। अब जब मुझे डोमेन निकालनी है तो हमने रूल पढ़ा है कि जो भी अंदर लिखा है दैट शुड बिलोंग टू रियल, तो x बिलोंग्स टू रियल। और अगर x बिलोंग्स टू रियल है मेरे बच्चों, इसलिए इसका डोमेन कौन हो गया, रियल नंबर। अब जब मैं बात करूंगा मेरे बच्चों रेंज के बारे में, रेंज तो रेंज क्या है इसकी, जरा ध्यान से समझना। सिंस मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो देयरफॉर क्या हम कह सकते हैं कि नेगेटिव मॉड एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। भाई अगर ये चीज ऑलवेज पॉजिटिव है बेटा, और तो ऑलवेज पॉजिटिव चीज में अगर आप नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दो तो पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव, तो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। That means ये right hand side always negative है। अगर right hand side always negative है, तो left भी always negative होनी चाहिए, क्योंकि left और right हमेशा बराबर होते हैं। This implies that y is also always negative. Y is also always negative because LHS is equal to RHS. और बेटा अगर कोई चीज always negative होती है, तो बेटा वो ये होती है zero की left तरफ। तो therefore इसकी रेंज क्या निकली मेरे बच्चे, माइनस इंफिनिटी से जीरो। हेंस इसकी रेंज क्या निकली, माइनस इंफिनिटी से जीरो। समझे इसे, दिस इज ऑल अबाउट मॉडुलस फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज। थैंक यू।